सीताफल, शरीफा, अलग अलग जगह अलग अलग नाम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके साइड इसे क्या बोलते हैं। बीज से पौधों को ग्रो करने का अपना एक अलग ही मजा है, लेकिन अगर आपको जल्दी फल चाहिए तो आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट खरीद सकते हैं। इसे बीज से लगाने का एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। आपको पता है शरीफा का पौधा जितना पुराना होता जाता उस पर उतने ही ज़्यादा और उतने ही मीठे फल लगते हैं, इसलिए एक शरीफा का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगा लीजिएगा। आप चाहें तो 16 से 18 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी के और पूरे पके हुए फल से आपको कुछ बीज निकाल लेना है। ये काम थोड़ा मैसी तो होगा। बीजों को निकालने के बाद उसका वाटर टेस्ट कर लीजिए, इससे आपको अच्छे खराब बीजों का अंदाज़ा भी लग जाएगा और दूसरा बीजों के ऊपर जो फ्लैश लगा हुआ रहता है वो भी धुल जाएगा। मेरे सारे ही बीज पानी में डूब गए हैं, कोई भी तैर नहीं रहा। अगर कोई तैरता हुआ बीज आपको मिले तो आप उसे तुरंत ही फेंक दीजिए। इन सारे बीजों को हम लगाएंगे, लेकिन कुछ बीजों को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और ये ट्रीटमेंट होगा स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में बीजों के ऊपर वाले हार्ड सीड कोट को किसी सैंड पेपर से या किसी भी फाइलर से रगड़ दिया जाता है, जिससे कि अंदर का जो वाइट मटेरियल है ना वो थोड़ा दिखने लगे। उससे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस वो दिखना चाहिए। ये देखिए, सीड कोट को रगड़ने के बाद अंदर का वाइट मटेरियल हल्का सा दिखने लगा है। आप चाहें तो ऊपर सीड का जो एज होता है वहाँ पे भी रगड़ सकते हैं, बस आपको सीड के जो ऊपर पे एक ब्राउन स्पॉट होता है वहाँ पे नहीं रगड़ना, उस एरिया को आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। और बस ये सीड लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीजों को लगाने के लिए मैंने इस मिट्टी के गमले में सिर्फ कोकोपीट भर लिया है और उसे पानी डाल के मॉइस्ट कर लिया है। दो तरह के बीज है मेरे पास, एक तो जो हमने स्कैरिफाई किया है और इसमें एक बीज हम नॉर्मल लगा देंगे, देखेंगे वो उगता है या नहीं। शरीफा के बीजों को थोड़ा गहरा लगाना होता है, इसलिए लगभग 1 सेंटीमीटर का गहराई का होल बना लेंगे, उसमें बीज को डाल देंगे और फिर थोड़े से कोकोपीट से इसे कवर कर देना है। लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई में बीज होने चाहिए। आप कोकोपीट की जगह मिट्टी भी ले सकते हैं, बस आपको कोकोपीट या मिट्टी किसी को भी पूरा सूखने नहीं देना है, हमेशा नमी बना कर रखना है और अच्छी रोशनी वाली जगह पे ही इन बीजों को आप ग्रो करें। बीजों को आप साल में कभी भी उगा सकते हैं, बस ठंड के महीने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है उगने में। ये रहा आपके सामने 4.5 महीने बाद का अपडेट। आपको याद होगा हमने इसमें 2 बीज लगाया था जिसमें से एक ही उगा है। शरीफा के बीजों को उगने में थोड़ा टाइम लग जाता, कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं बीजों को उगने में, और उसके बाद ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है 1 साल तक। 1 साल बाद ये काफ़ी स्पीडली बढ़ने लगता। जब बीज से उगा हुआ पौधा लंबा होने लगा था तो मैंने ऊपर से कैक्टस मिक्स भर दिया ताकि पौधे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। कैक्टस मिक्स में मैंने कोकोपीट, परलाइट और थोड़ा बालू मिलाया था। आप चाहें तो नॉर्मल मिट्टी भी भर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और पौधा दिखाती हूँ जो मैंने लगभग 6 से 7 महीने पहले लगाया था बीज से ही, एक छोटे से गमले में और सिर्फ मिट्टी को यूज़ करके। ये देखिए, ये पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है और ये नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है। साथ ही एक टूटे हुए मग में मैंने बस बीज को लगा दिया था स्कैरिफाई करके, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा। फर्टिलाइज़र में मैं जो रेगुलर अपने गार्डन में सीवीड स्प्रे करती हूँ तो बस वही मैंने इसमें स्प्रे किया है और कुछ भी नहीं। आप बड़े गमले में जब लगाते हैं आपको ढेर सारे फल चाहिए होते हैं तो फर्टिलाइज़र शेड्यूल थोड़ा डिफर करता है, जो मैं आपको बाद में शरीफा के डिटेल केयर इंस्ट्रक्शन वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इस मग से पौधे को निकाल के थोड़ी रूट प्रूनिंग करके छोटे वाले पौधे के साथ ही लगा दे रही। मेनली मुझे इसे बोनसाई बनाना है तो उस हिसाब से इस पर मैं काम करूँगी। शरीफा के पौधे से अच्छे फल हार्वेस्ट करने पे मैं डिटेल केयर इंस्ट्रक्शन वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। फ्रेंड्स, मुझे फल वाले पौधों को बीज से उगाना काफ़ी पसंद है। हाँ, बीज से उगे हुए पौधों में फल लगने में टाइम लग जाता,
लेकिन एक बार आपके पास पौधा तैयार हो जाएगा तो फिर आप ग्राफ्टिंग करके अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स एक ही पौधे से हार्वेस्ट कर सकते, जैसे कि आपने मेरे मैंगो ग्राफ्टिंग वाले वीडियो में देखा ही होगा। आम का पौधा बीज से ग्रो करके उसके तीन ब्रांचेस पे मैंने अभी तीन तरह के वैरायटी की ग्राफ्टिंग करी है, मालदा, दसहरी और आम्रपाली। साथ ही साथ बीजों से बेल, शरीफा, लीची, जामुन इस तरह के फल के पौधों को उगाकर मैंने कई जगह पर लगवाया भी है, जिससे कि चिड़ियाँ या कोई भी इंसान आराम से अच्छे फल खा सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति गार्डन साइनिंग ऑफ।